नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए टीजीटी पीजीटी न्यूज टुडे टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट 2021-2016। शिक्षा विभाग ने मांगा खाली पदों का ऑनलाइन अधियाचन। जानिए सब। टीजीटी शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर लगाई रोक। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपी ने टीजीटी भर्ती आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को तकड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची जारी करने के लिए क्विट को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचिकाओं को अपनी आपत्ति दाखिल करने के 2 हफ्ते की मोहलत दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अवनीश गुप्ता की खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट के एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर पारित किया, जिसमें एकलपीठ ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की योग्यता सूची में शामिल करते हुए नई सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था। यह भी कहा गया था कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के रूप में चयनित प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाए, जबकि आरक्षित श्रेणी में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का ही चयन होगा। इस आदेश को चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी। बोर्ड की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी के रिक्त रह गई सीटों के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार कर नियुक्ति की सिफारिश कर रहा है। चूंकि सभी सीटें सामान्य वर्ग की हैं, इसलिए सामान्य वर्ग को सूची में शामिल किया गया। यह भी तर्क है कि मुख्य सूची में आरक्षण लागू हो चुका है, एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह तर्क भी दिया गया कि एकलपीठ में दाखिल याचिका में सामान्य वर्ग के हितवत अभ्यर्थियों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचिकाओं के वकील के उत्कर्ष बिल्ला को विशेष अपील के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी थी। मामले की सुनवाई 15 मई को होनी थी, परंतु इसकी तारीख जो है अभी तक बढ़ती जा रही है, अभी दूसरी तारीख बताते चले। ये न्यूज जो है पुरानी न्यूज है और 15 मई को जो है फैसला आना था, परंतु नहीं, ये स्थिति जस की तस है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जैसे ही कोई नया निर्णय हो पाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। शिक्षकों के 3661 पद पर आयोग ने वापस किए। शिक्षा विभाग से मांगा ऑनलाइन अधियाचन, नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने संबंधित जिला अधिकारी व अध्यक्ष परियोजना समिति को शिक्षक व शिक्षकेतर पदों पर चयन की कार्यवाही समय से पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। इनका सेवानुबंध 11 माह 29 दिन के लिए होगा। शिक्षिकाओं का व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर डीएम के अनुमोदन के बाद नई संविता 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकेगी। वही सेवाएं सही न पाए जाने पर 1 माह का नोटिस देकर सेवा संविता को समाप्त भी किया जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया जा रहा है। इसमें 2 तरह के विद्यालय शामिल होंगे। पहले जहाँ 3 किलोमीटर की परिधि में राजकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित नहीं है, यहाँ पर नई अकाडमिक ब्लॉक में छात्रावास का निर्माण भी कराया जाएगा। ऐसे कस्तूरबा विद्यालय जिनकी 3 किलोमीटर की परिधि में राज्य के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नहीं है, यहाँ पर 100 छात्रों का आवासीय सुविधाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण भी कराया जाएगा। आयोग ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति से पहले ऑनलाइन अधियाचन भेजने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही शैक्षिक अर्हता की सबकक्षा स्पष्ट करने को भी कहा है। साफ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती शुरू होने के समय होने में समय लगेगा। माध्यमिक शिक्षक की ओर से एलटी ग्रेड के 3341, प्रवक्ता के 320 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन 2 साल पहले आयोग को भेजा गया था, लेकिन अर्हता समकक्षता नियमावली में संशोधन न होने के कारण सूत्रों के अनुसार नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। इस बीच शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक रिक्त पद चल रहे हैं। पिछले साल 988 स्कूलों में पद सृजन का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है। इन पदों की मंजूरी मिलने के बाद नियमावली में संशोधन के बाद शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। सहायक अध्यापक के 3341 से अधिक पद है खाली। राज्य के स्कूलों में प्रवक्ता के 500 और 2018 के बाद से अब तक भर्ती नहीं आई। राज्य के विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 2018 के बाद से भर्ती न आने के कारण आयोग ने 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड भर्ती 15 मार्च 2018 को विज्ञापन रहा था। उसमें 2,500 से अधिक पद रिक्त रह गए। वही प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2020 को विज्ञापन
जीआईसी और एलटी ग्रेड के इतने पद खाली पड़े हुए हैं और विद्यालय जो है शिक्षक के टोटे से जूझ रहे हैं। ऐसे में जो है विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, भर्ती है कि अब ये निकाल नहीं पा रहे हैं। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।